कुछ गा चुके हैं, कटरीना के साथ परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब छोटे लेवल की तो बात ही नहीं है ना स्टार्स की, बड़े बड़े लेवल की कॉन्सर्ट्स करते हैं। तो मैंने आज सोचा कि वीकेंड शो पे कॉन्सर्ट जो है इनका लाइव सुना जाए, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली आतिफ असलम। जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से। आतिफ आप कैसे हैं? आपको मालूम है हम आपके इतने कितने बड़े फैन हैं? इतने बड़े आतिफ के, इतने बड़े, इतने 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 आपको मैं आपके इतला के लिए अर्ज है, मैं जाली हूँ। मैं असली नहीं हूँ। क्यों? चाइना कॉपी। मुझे पीछे अंदाजा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर हम शफात के टैलेंट की नाजरीन बात करना शुरू करें तो क्या होस्टिंग है, क्या मिमिक्री है, क्या मैं कहती हूँ मल्टी टैलेंटेड और इंजीनियर, मतलब ये पढ़े लिखे दिमाग भी है साथ में, तो मतलब ये क्या जरूरत पड़ी थी कि ये सब भी कर लिया। और मैं अगर ये कहूँ कि इंटरनेट सेंसेशन है, लड़कियां ना कलाई काटना शुरू हो जाती हैं जब तुम्हारी वीडियो देखती हैं, क्यों? ये मेरा ख्याल में शायद कोई ज़हनी बीमारी है, मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना यकीन करें मुझसे मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे दाने पड़े हैं। अच्छा जी, आज शफात है और आप लोगों के कजन से शफात, आज मैंने नहीं बोलना, मैं क्यों बोलूं? आज तुम हो तो तुम होस्टिंग भी करोगे और सारा कुछ मैनेज। हाँ, तो फिर आप घर चलिए। आप घर जाए आप। नहीं नहीं, मैंने वो सेगमेंट भी करना है, क्या ब्यूटी का सेगमेंट। हाँ तो ठीक है, हम दोनों कर लेते हैं, इनकी क्या जरूरत है। फलों का हलवा भी बनाना है भाई, बनाना है। आप किसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ये आप जो ये मेरी हेल्प करेंगे सुंदर, आप अच्छा पता है इनकी वजह से बहुत मसाइल है मौसम। कौन से मसाइल बताएं भाई? ना हमारे घर से सेबों के छिलके बाहर जा रहे हैं, किन्नू जो छिलके पड़े पड़े हैं। अच्छी बात है ना, ये कौन जा नहीं रहे, पता नहीं मूंगफली वाले क्यों रह जाते, वो भी जल रहे हैं, पता नहीं उससे भी पता नहीं क्या बन रहा है। ये शफात आ चुका है, यही सब होना है, कसम खुदा की आज यही होना है सब कुछ। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आतिफ कैसे हैं आप? ठीक हैं? देखते आपको बुझाने आया हूँ आज। दोपहर को क्या खाने में आज खाया? मैं तो हमेशा एक ही चीज खाता हूँ, मगज। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत कुछ होने वाला है ब्रेक के बाद। हॉल है और शफात को तो हम वेलकम कर चुके हैं। शफात, शफात वैसे तुम्हें देख के लोग कहते हैं इतने सीरियस से तुम लगते हो। मुझे लोग क्या नाम सुन के कहते हैं यार, इतना संजीदा नाम है शफात है, ताया अब्बू का नाम होता है ना जैसे घर में, हाँ, हर फैमिली में हाँ शफात ताया आए हैं, वो चची जान का, मतलब इस किस्म के मामला। तो वो कभी आता नहीं ना मुंह पे मेरी, ना कॉमेडी बन रही है ना जुबान में, अच्छा बोलने भी उर्दू भी साफ है ना, ये भी मसला है, कॉमेडी तो पंजाबी होती है, ये भी मसाइल है लोगों के, तो कहीं से मैच नहीं होता, कहीं से पता नहीं चलता कि भाई मेरा हंसने हंसाने की फील्ड से कोई दूर दूर तक का भी ताल्लुक, मुझे खुद भी नहीं लगता। तुम बड़े एक पढ़े लिखे तो कर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन ये लगता है कोई कंपनी का सीईओ, मतलब तुम आते हो ना कोट पैंट पहनो, लगेगा सीईओ आ रहा है और मर्सिडीज से निकला हुआ, और मतलब नहीं लगता यार देख के कि तुम ये क्या, मतलब ये कोई हल्का काम है, ये नहीं, बड़ा मुश्किल काम है जो आप करते हैं, जो आप नहीं है वो आप बन रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल में जितनी भी एक्टिंग के जॉनरे हैं उसमें कॉमेडी सबसे ज्यादा मुश्किल है। एक तो ये कि यू नीड टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस, आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको लोगों को ऐसी बात करनी चाहिए जो कि सरप्राइजिंग हो, कॉमेडी इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, तो बड़ा मुश्किल काम है। और इसमें अपने आप को अप टू डेट रखना और सियासत जैसे मौजू पे मजाक करना, सियासत भी संजीदा मौजू है उस पर मजाक करना, वो थोड़ा मजीद मुश्किल हो जाए, तो मुश्किल काम है। तो बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिर जब जिन जिन लोगों की तुम मिमिक्री करते हो तो वो हैंडल करना आसान तो नहीं होता होगा। 99% ऐसा होता है कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग होता है, इनफैक्ट कई दफा तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे खुद अपने घर पे बुला के सामने बिठाकर यार ये देखो तुम, हम घड़ी इस हाथ पे बांधते, तुमने इस हाथ पे बांधी थी, तुमने गोल्डन घड़ी बांधी थी, हम ऐसे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा लेकिन कई लोगों ने अपने मतलब आउटफिट्स जो है ना वो मुझे गिफ्ट किए कि भाई अपने अंदर से अगर आपने कोई ये कैरेक्टर करना है तुम्हारी ये वास्केट है, इस पे ये वाला रुमाल है, आपने ऐसे पहन के बैठना। अच्छा। लेकिन कभी एक आध कोई
ऐसा वाकया हो जाता है जो माइंड कर जाते हैं, और उनमें कारकुनान मेरे ख्याल में जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं ना, वो तबका होता है जो फौरन आ गए, ये हमारे कायद की शान में गुस्ताखी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में कभी लीडरशिप की तरफ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। शफात वैसे इस तरह की चीजों में आप हैं मगन भाई? मुझे ये चीज समझ नहीं आई जो उन्होंने किया है ना। मैं जहाँ तक मैं समझा हूँ कि अब मैं जब घर जाऊंगा तो घर में मुझे पता ही चलेगा कि बेगम साहिबा ने पूरी जो है ये बेबी लोशन या बीबी क्रीम जो भी इन्होंने बनाया वो अपने मुंह पे थोप दिया। और उसके बाद अगर घर में फड्डा हुआ तो जिम्मेदार आप होंगी। मैं अभी फड्डा होगा आपके तो पैसे बच गए। मैं अभी आपको बताऊंगा इस बात पे होगा जो इसके पैसे बचे लाए और मुझे शॉपिंग करना। ये फड्डा होगा लेकिन आप बीबी क्रीम खरीदने में फड्डा नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो बात बेगम किस किस कैरेक्टर की कभी फरमाइश करती है कुछ कोई ऐसा कैरेक्टर की? वो तो कहती है खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। अच्छा वाकई में घर में भी लगे रहते हो तुम इसी तरह? प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑब्वियसली, वोकल कॉर्ड्स को अपने मैनेज करना, पहले एक आवाज बनाना, फिर वो जब आवाज बन जाती है फिर उसको पक्का करना। अच्छा, वो मुसलसल प्रैक्टिस से होता है क्योंकि जब मैं स्टैंड अप कॉमेडीज करता हूँ, जब मैं स्टैंड अप शोज करता हूँ तो उसमें होता ही है कि एक गो में एक घंटे के शो में मैंने 60 मुख्तलिफ आवाजें निकाली या 70 डिफरेंट आवाजें निकाली, एक शो में मैंने 110 डिफरेंट आवाजें की। तो ये इट कम्स एट अ कॉस्ट, उसकी प्रैक्टिस उसकी रिहर्सल वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और थोड़ा सा भी अगर कहीं कंटेंट स्लिप हो जाए या आपका गला स्लिप हो जाए, आपका गला साथ ना दे तो मेरे ख्याल में बड़ी सुबकी होती है क्योंकि स्टेज में लाइव ऑडियंसेस सामने बैठे होते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस कहीं पे भी हो सकती है, ड्राइविंग के दौरान, टीवी देखते हुए, वॉशरूम में, कहीं पे भी हो सकती है प्रैक्टिस। तो उसने ऑब्वियसली फिर बेगम मोहतरमा को बनता भी पहले घर वालों को बेचारों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, वो कहते थे पागल हो गया बच्चा हमारा चीखता रहता है कमरे में, और अब बेगम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बेगम बड़े ये ऐसे लोग जो है ना ये होते हैं, ये सीख लो, ये भी सीख लो, प्रैक्टिस में तो बड़े खुश होते हैं बेगम साहब, बड़े वो स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, नाराज होना ही है। अच्छा मैं सोच रही थी कि हमें अभी ज्वाइन किए, शफात तो साथ बैठी है, डॉक्टर आमिर लियाकत भी हमारे साथ आए, तो क्लैप्स हो जाए पहले डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए। सरप्राइज दे रही है मुझे, मैं तो बड़ी खुशी हूँ। हमने कहा कि फरा भी कराची से आई है तो डॉक्टर साहब को भी हम कराची से लाइव लेने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अमेरिका, चाइना, जापान, जनूबी एशिया, मग़रिबी बंगाल, साउथ चाइना, सूडान और मिस्र में देखने वाले तमाम नाज़रीन को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से 24.5 फुट लंबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या क्रीम बनाई है आपने। अख़वातीन हज़रात ये जो क्रीम मोहतरमा ने मौसूफा ने बनाई है ये कोई मामूली क्रीम नहीं है, ये क्रीम दर हकीकत आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपके मामलात बदलने के लिए, आपके खर्चे घटा देने के लिए आई है। अख़वातीन हज़रात इसको मुस्तरद खुदा के वास्ते इस क्रीम को मुस्तरद मत कीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब मतलब आप कभी गेम शो करते हैं, कभी आप पॉलिटिक्स में आते हैं, कभी करंट अफेयर्स के एंकर बन जाते, क्या हैं क्या आप एक्चुअली में? मैं एक एंटरटेनर हूं, एंटरटेनर। तारिक अजीज साहब क्या थे? एंटरटेनर। मैं क्या हूं? नहीं मैं एंटरटेनर, दी एंटरटेनर। तारिक अजीज साहब सिर्फ एंटरटेनर, मैं दी एंटरटेनर हूं क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया है दुनिया के 500। प्लीज आप आराम से बैठ के बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब। ऐसे अगर बॉडी लैंग्वेज नहीं आएगी तो बात कैसे होगी? ओ सॉरी। समझ आ रही है? हाँ। देखो ये मरूब करो, मरूब हो जाओ। अच्छा, इन चीजों से अगर मरूब नहीं होगी तो ऐसा कैसे चलेगा? हाँ। ऐसे नहीं चलना चाहिए ना। हाँ। बहुत हो गया। अच्छा इनका नाम फिर हम रखते हैं फरा बाबा। फरा बाबा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा अब आप आगे ऐसा नहीं चलेगा? अच्छा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। Too good. शफात सीरियसली, शफात घर वाले कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना तुम्हारा सपोर्ट करते हैं? घर वालों को शुरू में इतराज था। हाँ। कि यार ये क्या कर रहे हो? हाँ। फिर जब उनको वो समझे शायद शौक है। हाँ। और चलो छोड़ दो थोड़े दिन खुश हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई वाकई में तो मतलब तुम यही करोगे सारी जिंदगी? मैंने कहा हाँ, बज़ाहिर बादी उन नजर में तो इरादा यही है कि मैं यही करूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई अब चलो ठीक है। फिर उसमें ऑब्वियसली घर वालों का ये भी था कि यार क्या करोगे, प्रोड्यूसर बन के क्या हो जाएगा, मतलब मीडिया में तो कोई वो नहीं। हाँ। लेकिन घर वालों की एप्रिसिएशन के बगैर, उनके उनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। और एंड यू नीड टू बी क्रेजी अबाउट इट। एक बंदे को अपने फन के बारे में, एक वो अंग्रेजी का लफ्ज है नार्सिसिस्ट। हाँ। खुद परस्त जो लोग होते हैं ना, वो
लफ्ज़ तो मनफी है लेकिन किसी हद तक अगर आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं उसमें फ्यूचर है, उसमें कोई बात है, घर वाले आपको बताते हैं, वो घर वाले मेरे ख्याल में बहुत बेहतर तौर पर कर सकते हैं। और इंसान को मेरे ख्याल में एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो उसको घर से प्रोवाइड, बिल्कुल सही, और वो आगाज घर से होता है वो तो। अच्छा जी ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, आपकी कुर्सी खाली है, पूरा स्टेज आपके सामने, आप बैठे हुए, मतलब ब्रेक आपने लेनी कैसे होगी? नस करवा लो तुम झगड़े हमारे सबसे, झगड़े करवा लो मैं सब समझ रहा हूँ, सब शरारते समझ रहा हूँ। अच्छा छुप भी उनके पीछे रही हो जो कराची से हद हो गई, मतलब।